हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम है रोशन भुमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स। आईपीएल में दूसरा फाइनलिस्ट मिलने से पहले एक मैच दूर है। अब पहला मैच देखा था हमने, कैसे मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई फाइनल में प्रवेश की। उसके बाद हमने विटनेस किया पहला एलिमिनेटर, जिसमें हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। अब जो है सो दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा, वो कि सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिस तरह से शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट की, उस तरह से ख़त्म करते हुए नज़र नहीं आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम का भी हाल हम लोगों को लग रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरह होने वाला है। नीरज हमारे साथ मौजूद है और नीरज, दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरह की शुरुआत की थी इस टूर्नामेंट में, उस तरह से नहीं लग रहा है कि वह ख़त्म करेगी। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि इस साल का सीजन उनका होने वाला है, दिल्ली कैपिटल्स का होने वाला है। लगातार शुरू में मैच जीता, उसके बाद लगातार उन्होंने हारना शुरू किया और क्रूशियल मैचों में उन्होंने हारा है। पिछला मुकाबला हमने देखा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो खेला गया था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को कम्प्लीटली हरा दिया। उस मैच में अगर हम देखें दिल्ली कैपिटल की अगर पूरी परफॉर्मेंस को देखें, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिल्ली कैपिटल की जो बॉलिंग थी थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या लास्ट में आके जब रन बना रहे, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके जो उनकी पेस अटैक थी, जो एनरिक नॉर्टिज और कगिसो रबाडा जो बॉलिंग करा रहे थे, मेरे हिसाब से थोड़ा वहाँ पर अगर स्लोअर बॉल कराई जाती है, अभी थोड़ा सा पिच के हिसाब से बॉलिंग कराई जाती है या फिर फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग कराई जाती है, जो 12 बॉलों पे 40 रन जो हार्दिक पांडे जो मार के गए थे, मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं 170 या 160 के टोटल पे रुक सकते थे। बहुत बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे, किरण पुलाड आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा आउट हो चुके थे, जीरो पर। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो श्रेयस अय्यर जो यंग कैप्टन है दिल्ली कैपिटल के, कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्ट जो एक अट्रैक्शन ले रहे थे कि कहीं ना कहीं बैक दिल्ली बैक टू बैक मैच जीत रही थी लीग मैच में, लेकिन जब सेमीफाइनल जब नॉकआउट मैच में आई, तो कहीं ना कहीं ऐसे लैक्स जो अपनी टीम कॉम्बिनेशन में लैक कर गए। थोड़ा सा मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उनकी जगह पे एलेक्स कैरी को लाना चाहिए। और बॉलिंग में मेरे हिसाब से बॉलिंग सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब अगेंस्ट में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज आए हों आपके साथ में, तो वो बॉलिंग थोड़ी सी फीकी हो जाती है। लेकिन अब नॉकआउट मैचेज है, उनको भी समझना पड़ेगा कि पिच के हिसाब से कैसी बॉलिंग करानी है, और बॉल अगर स्विंग कर रही है या फिर बैट्समैन ज़्यादा रन बनाने की सोच रहा है, तो उस हिसाब से थिंकिंग को सोचना पड़ेगा, अपने टीम मैनेजमेंट के साथ सोचना पड़ेगा। और जब आप फील्ड पे जा रहे हो, तो फिर आपको बातचीत करनी पड़ेगी अपने और प्लेयरों से, जो कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे थे दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग में। उस वक्त जो मन आया तो वैसी बॉलिंग करा रहे थे और शॉट्स बहुत तगड़े तगड़े शॉट्स मार रहे थे हार्दिक पांड्या। और अगर हम बात करें आने वाले मैच पर, सनराइजर हैदराबाद बहुत ही बैलेंस टीम है, ये हमने कल ही देख चुके हैं। आरसीबी के साथ जो मैच खेला था, मेरे हिसाब से आरसीबी कहीं भी हमें कल मैच में नहीं दिखी, जब उन्होंने बैक टू बैक स्टार्टिंग में विकेट खोए, उसके बाद जब एबी डिविलियर्स सामने आए, फिर थोड़ा सा उन्होंने फाइट बैक की कोशिश करने की, लेकिन एक मेरे हिसाब से ये जो क्रिकेट मैच होता है, ये पूरे 11 प्लेयरों का मैच होता है, हर एक बंदे को वहां पे जाके अपना 100% देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आरसीबी में देखे तो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दो ही थे, और सनराइजर हैदराबाद के पास बॉलिंग में देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े प्लेयर है, संदीप शर्मा उनके पास थे जो बिल्कुल स्विंग करा रहे थे, भले ही वो थोड़ा सा उनके पास पेस कम हो, लेकिन वो पूरे दिमाग से बॉलिंग करा रहे थे, बहुत ही स्लो करा रहे, ताकि जो शॉर्ट बंदा जो मारे वो अपनी साइड से मारे, लेकिन कहीं भी उसे हेल्प ना मिले। अगर आप दिल्ली अगला मुकाबला जो खेला जाएगा हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, नीरज हैदराबाद की टीम जो दिख रही है पिछला 4 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता है, और ऐसा नहीं जीता है कि कम मार्जिन से जीता हो। दिल्ली कैपिटल्स को अब अगला मुकाबला सनराइजर्स से खेलना है, और हमने देखा है सनराइजर्स की टीम कितनी फॉर्म में है। सनराइजर्स के जो दुर्भाग्य रहा है सनराइजर्स के लिए इस सीज़न, अगर नीरज अगर हम ध्यान दें उनके खिलाड़ियों पे, पहले भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हो गए, उन्होंने कमेंट भी करा है कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उस मैच को, जो मैच में इस बैक टू बैक जो मैच जीत रही सनराइजर हैदराबाद, कहीं ना कहीं अगर वो एक पार्ट रहते तो उनकी बॉलिंग और धारदार हो, और उसके बाद कल के मैच में रिद्धिमान साहा नहीं खेले, फिर हमने देखा, फिर भी आप देख लीजिए कि मैच इतने बतौर है, अगर आपके पास इतना ओपनर जो बैक टू बैक रन बना रहा है वो रिद्धिमान साहा, आपने देखा कि पिछले मैचों में कितनी बैक टू बैक 50 मार रहे थे, और उन्हें मैच खेले हुए 3-4 मैच ही हुए अभी, और ऐसा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, और उसके बाद उन्हें इंजरी होती है, वो बैठते हैं, फिर जाके नया प्लेयर आता है, वो भी कल परफॉर्मेंस नहीं करके देता है, लेकिन फिर भी टीम जीतती है। इससे पहले हमने देखा कि मिचेल मार्श जो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में आए जेसन होल्डर। डेविड ऑर्नर की अगर पूरी थिंकिंग देखिए या फिर पूरी मैनेजमेंट की थिंकिंग देखिए, उनकी जो बैक एंड कर रहे हैं उन्हें, वो बहुत ही मतलब ऐसे सोचते, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके पास जो एक थिंक टैंक है बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो सब एक
पूरी स्ट्रेटजी लेके चलते हैं, अगर ये प्लेयर नहीं है तो इसके बैक स्टैंड पे ये आ सकते हैं, अगर ये प्लेयर नहीं है तो ये आ सकता है। उन्होंने विजय सिंगर को बैठाया, फिर लाए, फिर बैठाया, फिर लाए, फिर उसके बाद अब जैसन होल्डर आ चुके हैं जो बैक टू बैक परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया, मुझे लग नहीं रहा था कि कर पाते अगर वो किसी उन्हें नहीं खिलाया जाता, या फिर अब खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं अपनी टीम को। अब सनराइजर हैदराबाद अगर कोई ऑन ऑफ भी हो रहा है उनकी टीम से, तब भी वो संभल के मैच जिता रही है, लेकिन अब आने वाला मैच दिल्ली कैपिटल के साथ है, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। उनके पास यंगस्टर ज्यादा है दिल्ली कैपिटल के पास, अगर उनमें से एक दो भी चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद थोड़ी सी फंस सकती है। यंगस्टर्स ज्यादा है, आपने कहा कि यंगस्टर ज्यादा है, कोई ना कोई चल गया तो फंस सकती है, लेकिन वो यंगस्टर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। हमने देखा पृथ्वी शॉ लगातार इस सीजन में फ्लॉप हुए, उसके बाद अजिंक्य रहाणे को बीच में एक मौका मिला जहां उन्होंने अर्धशतक लगाया और टीम को जितवाया भी, वो क्वालिफाई किया आरसीबी के खिलाफ वो मैच जीतकर। फिर ऋषभ पंत लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, उनकी जगह पे ऐसा रिप्लेसमेंट नहीं, कप्तान भी फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि कप्तान को होना चाहिए कि कप्तान अगर फ्लॉप, हालांकि रोहित शर्मा भी फ्लॉप हुए हैं इस सीजन में, उनके पास ऐसे प्लेयर हैं उनके पास जो बैक कर सके, तो किसी ना किसी प्लेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हमने देखा शिखर धवन कितने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जब बात आती है तो शिखर धवन भी अपना रास्ता नाप ले। बिल्कुल जब ऐसे इंपॉर्टेंट मैचों में जब उनको उनपे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप जाइए थोड़ा स्टार्ट दीजिए टीम को, लेकिन हमने पिछले मैच में देखा था कि वो बिल्कुल ही इतनी गंदे तरीके से आउट हुए थे, जो मुझे लगता नहीं था कि उस वक्त दिल्ली कैपिटल को आउट होना, एक स्ट्रांग ओपनिंग की जरूरत थी, एक नींव रखने की जरूरत थी स्ट्रांग, और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो रखने में थोड़ा नाकाम रही टीम दिल्ली कैपिटल, जिस हिसाब से स्टोनिस खेल रहे थे, अक्षर पटेल खेल रहे थे, अगर उस वजह से अगर वो बैटिंग थोड़ा पहले होती, ये नहीं कि हमने 200 स्कोर चेज नहीं करा उस फील्ड पे कभी भी, लेकिन करा है चेज, बहुत सारे टीमों ने करके दिखाया है, ऐसा राजस्थान रॉयल ने करके दिखाया है, जो पिछले मैच हारे भी थे लेकिन फिर भी उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेज करके दिखाया, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आपके टीम के अंदर वो प्लेयर नहीं, प्लेयर हैं, बट आपको थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्ट में जो चाहिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स को अब उनको अपना स्ट्रेंथ समझना होगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रेंथ है वो गेंदबाजी है, क्योंकि एक तरफ कगिसोर अबाडा है, रविचंद्रन अश्विन है, एनरिक नॉर्किया है, तो उनको अपना स्ट्रेंथ समझना होगा और उसके मुताबिक वो अपना प्लान तैयार करे, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने टॉस जीता और पहले मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया, मुंबई इंडियंस ने क्या किया, 200 रन बोर्ड पे लगा दिया, अब आप चेज करें, क्योंकि अब उनके पास इनके बैट्समैन जो है वो फॉर्म में नहीं है, तो अब आप चेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को अगर अगला मुकाबला जीतना है तो वो पहले बल्लेबाजी करें, क्योंकि उनका जो स्ट्रांग यूनिट है वो है गेंदबाजी, वो डिफेंड कर सकते हैं, और इस सीजन में हमने देखा भी है कि डिफेंड भी किया है, और जो गेंदबाजी यूनिट है वो सबसे शानदार मुझे लगता है कि अभी तक मेरे हिसाब से, अगर सनराइजर हैदराबाद को अगर पहली बैटिंग करवाते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद के पास भी वो विस्फोटक बल्लेबाज नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो विस्फोटक जो बिल्कुल हार्दिक पांड्या की तरह 12 में 50 मार रहे हो, या फिर ईशान किशन की तरह पारी को संभाल रहे हो, प्लेयर जरूर है, केन विलियमसन फॉर्म में आ चुके हैं और डेविड वॉर्नर तो फॉर्म में है ही, रिद्धिमान साहब अब बैक करेंगे, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे अगर नीचे जाए तो उनके पास वो नहीं है, प्रियम गर्ग यंग है, जैसन होल्डर है, वो कभी भी मतलब वेस्ट इंडीज प्लेयर है, थोड़ा कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं कर जो उन पे विश्वास नहीं है। सनराइजर्स हैदराबाद की अगर बात करें नीरज, तो पिछला मुकाबला जो बैंगलोर को उन्होंने एलिमिनेटर में हराया है उसमें भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही कन्विंसिंग विन था, उनका वो लास्ट ओवर तक मैच गया, अगर केन विलियमसन आउट हो गए होते तो मैच खत्म था, बैंगलोर ने गेंदबाजी अच्छा की और प्रेशर पूरा बिल्ड कर दिया था, लेकिन केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी वो कितने बड़े कप्तान है न्यूजीलैंड के, और इतने शान दिमाग से खेलते हैं, मैच आईपीएल हमने देखा भी था वर्ल्ड कप का फाइनल में, फिर भी इतने क्लोज मैच जो हारे भी नहीं थे लेकिन लगा कि हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उतना बड़ा जो क्राइसिस जो होता है, मतलब लगता है कि यार इतना बड़ा वर्ल्ड कप जाके फिर आप ऐसे इस तरीके से हारते हो, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े एक्सपीरियंस के साथ अगर सनराइजर हैदराबाद की टीम में है, और कल उन्होंने दिखाया भी कितने पेशेंस के साथ उन्होंने खेला, उनको रनर बॉल चाहिए थे, भले ही कोई प्रेशर नहीं था रन बनाने का, लेकिन रनर बॉल चाहिए था, वही ज्यादा मायने रखता, अगर एक दो विकेट और खो जाते वहीं पे मैच उनके हाथ से निकल जाता, उन्होंने पकड़ के रखे, और जैसे होल्डर को भी इतने वो है नहीं कि इतने आराम से वो खेले, 25 पे 24 रन आप उनके देख सकते हैं, और वही रन उनके आप केन विलियमसन से भी देख सकते हैं 44 पे 56, तो उन्होंने पकड़ के रखा मैच और अपने हाथ से जाने नहीं दिया, ज्यादा विकेट नहीं खोए, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, मतलब टोटल जो कैलकुलेटर रिस्क जिसे कहते हैं वो कैलकुलेटर रिस्क लिया। अगर नीरज
जो मैच होने वाला दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव देखना चाहेंगे? दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 में मुझे लगता है बदलाव करने चाहिए उन्हें, अगर उन्हें जीतना है मैच आने वाला, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद बहुत ही बैलेंस टीम है। उनकी बॉलिंग अगर आप देख लीजिए तो एक से एक बॉलर उनके पास पड़े हुए हैं। अगर आपके पास बैटिंग पहले आ जाती तो आपको कहीं ना कहीं उन बॉलरों से फंस सकते हो आप उन बॉलरों को खेलते हुए, क्योंकि उनके पास राशिद खान है, टी नटराजन है, और आप संदीप शर्मा होल्डर हैं, संदीप शर्मा हैं, और एक नए लेग स्पिनर आ चुके लेफ्ट आर्म सहवाज नदीम उनके पास है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल को अपनी बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ की जगह एलेक्स कैरी को इन करना चाहिए, और मेरे से लगता नहीं कि आप शिखर धवन को थोड़ा टाइम दे, रहाणे को थोड़ा टाइम दे, श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ऋषभ पंत के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भले ही उनके टीम सिलेक्शन टीम इंडिया में जरूर हो चुके, तो वो ये ना कॉन्फिडेंट में या फिर ओवर कॉन्फिडेंट ना जाए कि मैं तो टीम में हूँ, लेकिन आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस करा जा सकता है। संजू सैमसन वहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आपको ये चीजें अब बड़े बड़े मैचों में करके दिखानी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। तो ऋषभ पंत पे भी बहुत सारा प्रेशर हुआ, और मार्केस स्टोइनिस तो खेल ही रहे हैं। उसके बाद अब गेंदबाजों की अगर बात कर ले तो कगिसो रबाडा है, नौटकिया है, जो फॉर्म में है, विकेट भी ले रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों को परफॉर्म करके देना होगा। दिल्ली कैपिटल्स को अगर ये मैच जीतना है तो सनराइजर्स के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर बिल्ड करना होगा, जो सनराइजर हैदराबाद बाकी टीमों पर कर रही है, और लगातार उन्होंने मैच जीता है। इस पूरे सीजन में हमने देखा है किस तरह सनराइजर्स हैदराबाद का सफर रहा है और दिल्ली कैपिटल्स का सफर रहा है। दिल्ली कैपिटल्स को अगर कल का मैच मुकाबला जीतना है और फाइनल खेलना है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो एक अलग रणनीति के साथ आना होगा। कप्तान को आगे आकर रन बनाना होगा, कप्तान को अलग मेंटल स्ट्रेंथ के साथ उतरना होगा। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टीम आपके लिए, आपके हिसाब से सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जीत कर फाइनल खेलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा के पीछे अर्जुन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें IPL की पल पल की खबर पर पकड़ बनाए रखने के लिए। मेरा नाम है रोशन भुमियार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।